दिमाग का चुदिए क्या हो गया। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक तेरी माँ की। हाँ तो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टड सुजीत चैनल। हाँ तो आज हम करने वाले हैं रोस्ट लौड़ा लहसुन इंडस्ट्री के एक और चाचा चौधरी के 14 प्लस लो आईक्यू और नेपोटिज्म से पैदा हुई चांदनी को। तो अब तक तुम लोग समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस चांदनी का नाम अनन्या पांडे है। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम लोग भी मेरे साथ बोलो, चाचा चौधरी की चौथी चांदनी अनन्या पांडे। तो तुम लोगों को मैं बता दूं, अगर तुमको नहीं पता ये चौथी चांदनी है कौन, तो वो है चंकी पांडे की बेटी। अब तुम लोग पूछोगे अभी चंकी पांडे कौन रहे, तो तुम लोगों ने कई बार इसको देखा होगा 90s की मूवियों में और हाउसफुल मूवी के सभी पार्टों में। इस बंदे की पहचान इस डायलॉग से की जाती है। हाँ तो चलो शुरू करते हैं अपनी बकचोदी, वो भी बिना किसी चुत्तर के। What three things or qualities every ideal boyfriend must have? Sense of humor, loyalty, and I feel like friendship. Like, you know, you need to have a solid friendship and then only you can date. Okay. तो देखो, खुद में सेंस ऑफ ह्यूमर हो ना हो, पर इस चांदनी को बॉयफ्रेंड ऐसा चाहिए जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर हो। बेंचर लौड़ा मिलेगा मेरा, मतलब कुछ भी। और तो और इस चांदनी को अपने बॉयफ्रेंड में फ्रेंडशिप वाला गुण चाहिए। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तुमको बताना चाहूंगा, अगर कोई लौंडा किसी भी लड़की का बॉयफ्रेंड बनता है ना, तो वो लौंडा अगले दिन उसके गेट पे खड़ा होता है। अब तुम लोग पूछोगे क्यों, क्योंकि उसे करना होता है टपा डप। और तो और आगे का रैपिड फायर देखो इनका। What's that one thing that Tara Sataria has you wish you had? Oh, good voice. Yeah. तो इस चांदनी ने एकदम सही कहा, तारा सुतारिया की आवाज में खूबसूरती और बहुत से गुण के प्रकार हैं। और इस चांदनी की आवाज में लौड़ा का सरकार है। Yeah. Okay, how would you describe following people in one word, please? Kartik Aaryan. Funny. Shahrukh Khan. Second dad. एक सेकंड, क्या बोला? शाहरुख खान। Second dad. बहनचोद बंदूक कहाँ है मेरी? अरे भाई 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 क्या भाई? शाहरुख खान तेरे घर पे आते या तेरी माँ के? अरे भाई 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 क्या? बहनचोद मतलब कुछ भी। अबे शर्म करो। कंजरी मादे बचियो, दगड़ दल्ली मादे बचियो। तो इस चीज को ये चांदनी सही से भी बोल सकती थी, शाहरुख खान मेरे बड़े पापा जैसे हैं, अंकल जैसे हैं, चाचा जैसे हैं, लेकिन नहीं, इनको इंग्लिश में बोलना है। बहनचोद मुझे तो लगता है ये साले सब इंग्लिश में पैदा हुए थे तभी ये सब ये बोलते हैं। शाहरुख खान सेकंड डैड। मीनवाइल चंकी पांडे, मेरे बेडरूम में मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? आपके साथ मुझे मेरा जन्म जन्मांतर का प्यास बुझाना है। Hey, stop it. I'm joking. That's better. It's two words, but second time. Sara Ali Khan. Witty. Karan Johar. Everything. Chup! बिल्कुल चुप। तुम लोगों को पता है इसने एवरीथिंग क्यों बोला? क्योंकि जब हम लोगों के यहाँ कोई पैदा होता है तो कुछ इस तरह के लोग आते हैं। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। वैसे ही जब स्टार किड पैदा होते हैं तो वहाँ पे करण जौहर जाता है, और मुझे तो लगता है ये स्टार किड के यहाँ चाटने पोसने का भी काम करता है। Alright, what one needs to do to become Ananya's best friend? I think just be real. Just keep it real. I don't like fake people. अच्छा तो ये चांदनी कहती है अगर तुमको मेरा दोस्त बनना है तो जैसे हो वैसे ही रहो। इस बात पर इस दीदी के लिए तालियां। और मेरे हिसाब से अगर तुमको इनका दोस्त बनना है तो तुमको अपनी बुद्धि के लौड़े लगवाने होंगे। आसान है क्या इस चांदनी का दोस्त बनना? What sort of scorpion are you? What kinds are there? I think I'm a scorpion every way. Please define yourself. I am a little crazy. I'm very expressive. I'm very honest. क्या बोला इसने? बहनचोद लंड की तरह में। अरे भाई 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 क्या मामा? एक तो ये बंदा, इसको सिर्फ मैं डिस्क्राइब करूंगा भोसड़ी के, तो चुप बैठ। तो आओ इनके लौड़े लगाते हैं, मेरा मतलब है इनको डिस्क्राइब करते हैं, जिसके अंदर टैलेंट का भंडार हो वो चाचा चौधरी की चौथी चांदनी अनन्या पांडे। जिसके आईक्यू के लौड़े लगे हो वो चाचा चौधरी की चौथी चांदनी अनन्या पांडे। जिसका दूसरा बाप शाहरुख खान हो वो चाचा चौधरी की चौथी चांदनी अनन्या पांडे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके अपने ही आवाज में लौड़ा का सरकार है, वो चाचा चौधरी की चौथी चांदनी अनन्या पांडे। तो मेरे हिसाब से तुम लोग इतना सुन के इसको पहचान लोगे कि ये अनन्या पांडे है।
और एक तो मुझे समझ में झाट नहीं आ रहा है कि इन स्टार किड की हाइट इतनी लंबी कैसे होती है बहनचोद, और जितना लंबा हाइट होता है उतनी कम बुद्धि होती है इन लोगों के अंदर बहनचोद। जैसे कि तुम लोग इस मैडम को देख लो, इनकी हाइट तो बहुत ही लंबी है लेकिन इनकी बुद्धि इनके घुटनों में भी नहीं है बहनचोद, लौड़े लग चुके हैं इनकी बुद्धि के। और ये मैडम को देखो, इनकी बुद्धि के बारे में तुम लोग मुझसे पूछो ही मत, क्योंकि इनकी बुद्धि के लौड़े नहीं लगे, इनकी बुद्धि के चूतड़ लगे हैं। मुझे तो लगता है करण जौहर इनके घर पे जाकर इनकी टांगे पकड़ता होगा और खींच खींच कर लंबा करने की कोशिश करता होगा बहनचोद। अगर ऐसा नहीं होता होगा तो फिर ऐसा होता होगा कि ये लोग सुबह शाम लंच और डिनर में जिराफ खाते होंगे बहनचोद, तभी इतने लंबे हैं। और तुम लोग जा कहाँ रहे हो, अभी तो इनका टैलेंट देखना बाकी है। आप एक्टिंग के अलावा और किस किस में शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद है? शौक? मैं एक्चुअली मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस। ओह नॉट बैड, आई डिड इट। चल मदर, टैलेंट है? नहीं, ये टैलेंट है बहनचोद, ये चाचा चौधरी के चौथी चोदी, मेरा मतलब है चौथी चांदनी का ये टैलेंट है। अगर ये टैलेंट है बहनचोद तो तुम लोग इसको क्या कहोगे? पेट में पद यात्रा कर रहे हैं, रखे पाव भाजी में मक्खन ने सांडे का तेल। दवा ले लीजिए चाचा। ये टैलेंट इनटू 100 है बहनचोद, और तो हगना मुतना सब टैलेंट है बहनचोद, सब टैलेंट। ये विनोद क्या कर रहा है तू? मुत रहा है क्यों? क्योंकि टैलेंट है, देखा देखा टैलेंट फैलने लगा। करण जौहर कहाँ है? करण जौहर है कहाँ बहनचोद? हाँ बोल भाई, मेरे विनोद में टैलेंट आ चुका है, देखो मूत रहा है, टैलेंट इनटू 100। करण जौहर भाई, इसको मूवी में ले, मूवी में मांगता ये बंदा। नहीं ले सकता क्योंकि ये स्टार किड नहीं है। स्टार किड है उससे क्या मतलब, मेरे विनोद में टैलेंट है बहनचोद, करण जौहर लौड़ा लहसुन देख देख किसमें टैलेंट है, मूत रहा है वो तेरे सामने, देख तेरे सामने मूत रहा है। एक बार बोला ना, नहीं ले सकता मतलब नहीं ले सकता क्योंकि वो स्टार किड नहीं है। भाई साहब मतलब तू इन चूतियों को चाटेगा, स्टार किड का चाटेगा, तेरी मात चोद देगा, भाग यहाँ से, बंदूक कहाँ है मेरी मादर। हाँ तो गाइस, अब ये वीडियो देखो तुम लोग एक बार। हंस भी करते हैं अनन्या, आप एक्टिंग के अलावा और किस किस में शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद शौक? है? मैं एक्चुअली मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस। ओह नॉट बैड, आई डिड इट। अनन्या पांडे से अच्छा एक्टिंग कर रही है ये बहनचोद, अनन्या पांडे से अच्छी एक्टिंग कर रही है। तो गाइस टैलेंट को सपोर्ट करो ना कि चूतियों को, समझे ना गाइस, टैलेंट को सपोर्ट करना है ना कि चूतियों को सपोर्ट करना है, समझ में आ रहा है? हाँ तो गाइस आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एम रखते हम लोग 35 लाइक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब करना मैं तुम पे छोड़ता हूँ, अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लगी हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो गाइस मिलते हैं तुमसे अब अगली वीडियो की मजदूरी में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विनोद कल आंटी के यहाँ पोछा मारे थे, उसका पैसा मिला? कितना? 150। ओ भाई क्या बात है, चलो आज मजदूरी कायम। मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा, गिर के तप किया मैंने जीरा सोडा, जैसे मटके में पानी भरता थोड़ा थोड़ा, जा ऐसा थोड़ा आता पकड़ मत लौड़ा, मेरे प्यारे दिल को तूने दर...